बड़े टाइम बाद हम आपको ऐसे एकदम हार्डकोर एक्शन अफ्ताह में देख रहे हैं। सो प्लीज आकर आप एक्शन इनके बारे में बताएंगे जो आपने किए और जो आपने स्टंट्स किए उसके वजह से शायद आपकी तबीयत भी थोड़ी नासाज हुई थी, तो प्लीज उसके बारे में आप खुद बताइए कि कैसा रहा वो माहौल एंड स्टंट्स जो किए वो कैसा था, प्लीज खुद डिस्क्राइब कीजिए। सर ये हमारी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन विक्टर सर ने कहा कि करना है तो कर दिया और अभी तक भुगत रहे हम क्योंकि शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो कि टूटा ना हो और अभी भी हम कई अस्पतालों कई डॉक्टरों से मुलाकात हो चुकी है, कुछ सुधार नहीं हुआ है। क्या कहें इसके बाद, एक तो सर क्या है कि आम कपड़ा अगर पहना देते तो चलिए फिर भी ठीक होता, लेकिन पहना दिया इन्होंने ये आर्मर। गनीमत है कि लोहे का नहीं था, लोहे से छुटकारा मिला था शहनशाह के बाद, हमने कहा चलो बच गए, लेकिन यहाँ फिर इन्होंने पहना दिया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं सर ये लोहा जो है वो कैमरा के लिए अच्छा नहीं है, इसको हम आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं, चमड़े का बना देते हैं। लेकिन जो चमड़ा इन्होंने चुना वो इतना मोटा था तो उसका वजन कम से कम 30-40 किलोग्राम होगा और भर गया। ऊपर से दो ठो तलवार दे दिया, एक ठो यहाँ पर डैगर दे दिया, पगड़ी दे दी, बाल दे दिए। सर ये तो सबसे मुसीबत वाली बात होती है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते हैं उसको लगाने में। उसके बाद इधर से कूदो उधर से कूदो, यहाँ मारो वो मारो, ये सब शुरू हो गया। और जो सबसे खतरनाक बात थी वो ये कि जितना ये एक्शन था ये सब बरसात में हो रहा है और जब पानी बरसे तो वो जो चमड़ा था वो सब सोख ले पानी, तो 20-30 किलोमीटर और बढ़ जाता था। इतना भार उठा करके इन्होंने हमसे काम करवाया है, बाकी इन्हीं से पूछिए क्यों करवाया ऐसा। देखिए सर आपके नाम में इतना वजन है कि उसको कॉस्ट्यूम हल्का आपको दे ही नहीं पाए। सर डायलॉग बोलना मेरा काम है। सर डायलॉग मत बोला कीजिए आप।